और आपका नाम क्या? 20 साल से काम कर रहे हैं। 15 से 20 साल से दुकान पे आप काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू एमडी सुपिंग अरीना। सो आके मैं जो हूँ वो कराची आया हूँ, और कराची में जो है वो तो यहाँ पे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ें मिली हैं उसमें है वन ऑफ द बन कबाब। तो हम जो है वो हमने बन कबाब एक्सप्लोर किया, और इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो रेसिपी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो वीडियोस मैंने बनाई हैं और इसको जो एक्सप्लोर किया है हमने, उसी के साथ साथ इसकी जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रीन चटनी के साथ ये बनाया जाता है, और इसकी जो शामी होती है, कहीं पे बन जो की क्वालिटी है वो चेंज होती है, कहीं पे वो जैसे इंडियन जिसे हम वड़ा पाव कहते हैं वो जो बन होता है उसमें होता है तो वो वहाँ पे यूज़ होता है, कहीं पे वो बर्गर वाला बन होता है। तो जो इसमें कॉमन चीज़ मैंने जो मुझे दिखी है इसके अंदर वो है वो सेम ग्रीन चटनी। तो इंशाल्लाह ताला हम इस रेसिपी को ट्राई करेंगे अपने फ्यूजन से, अपनी टेक्निक के साथ मैं इसको ट्राई करूँगा, और इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी है। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बन कबाबों के लिए अब जो हमें उसकी जो अंदर शामी होती है वो बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, वो सबसे पहले ये मैंने कुकर ले लिया, और इसके अंदर ये मेरे पास दाल थी, तकरीबन 2 कप दाल थी, इसको मैंने पानी के अंदर जो है वो भिगो लिया था 2 घंटे के लिए। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। इसी के साथ साथ ये मेरे पास तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, और ये मैं इसमें शामिल करूँगा। ये मैंने इनको रफली काट लिया था बड़ा बड़ा ही। इसी के साथ साथ ये मेरे पास जो है वो लहसुन है 8 जवे, ये मैं डालूँगा। इसी के साथ साथ ये मेरे पास तकरीबन जितना मेरे पास लहसुन था उतना ही मेरे पास अदरक है, ये मैं ऐड करूँगा। ये साबुत लाल मिर्चे हैं मेरे पास, और ये तकरीबन 8 से 10 जो हैं वो आप ऐड कर देंगे इसमें पूरी पूरी साबुत। और ये मेरे पास 1 पाव गोश्त है बोनलेस, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। और इसी के साथ साथ ये मेरे पास 2 चाय के चम्मच जो है वो जीरा था, और ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसके अंदर, ये मेरे पास पानी है तकरीबन मेरे पास ये 1 पाव से ज़्यादा पानी है, और ये मैं इसमें ऐड करूँगा। इस बैटर से इंशाल्लाह ताला हमारे 20 से 22 जो हैं बन कबाब तैयार होंगे, और आप देख सकते हैं कि मैंने पानी इसमें इतना डाला है कि पूरी तरीके से चीज़ें भीगी नहीं हैं इसमें। तो अब जो है वो मैं प्रेशर दूंगा इसको, तकरीबन जब विसल बजनी शुरू हो जाए तो 10 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर देना है। तो अब हम चलते हैं अपनी चटनी की तरफ, और इसको हम कुकिंग प्रोसेस पे छोड़ देते हैं। तो अब जो है वो हम ग्रीन चटनी बनाने लगे हैं। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले ये मेरे पास है फ्रेश कोरिएंडर, ये तकरीबन मेरे पास 1/2 बंच है, इसको मैंने साफ़ करके इसमें डाल दूँगा ग्राइंडर के अंदर, और ये अच्छे तरीके से साफ कर लूँगा। इसी के साथ साथ ये मेरे पास जो है वो मिंट है पुदीना, ये मैं इसके अंदर डाल लूँगा तकरीबन ये 1/4 हिस्सा एक गड्डी का ना, वो डालने के बाद
ये मेरे पास जो था वो हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें मैं इसमें डालूंगा। अगर आपकी हरी मिर्चें कड़वी ना हो तो आप उसमें थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास इमली का पल्प है 100 ml, और इसमें 100 ml मैं इमली का पल्प डाल लूँगा। ये चाट मसाला 1/2 tablespoon, उसके बाद ये मेरे पास ज़ीरा था 1/2 tablespoon, इसी के साथ साथ कुटी लाल मिर्चें हैं 1/2 tablespoon, 1/2 teaspoon मेरे पास सॉल्ट है, और ये 2 जवे मेरे पास लहसुन के हैं। और अब जो है वो मैं इसके ऊपर, और ये मैं लिड दे के इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगा 1 से 2 मिनट के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त ही हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो ये हमारी जो दाल है वो गल चुकी है, और ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो ज़बरदस्त ही गल गई है, ना वो सख्त है ना वो ज़्यादा नरम हुई है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दाल है वो ज़्यादा ना सख्त हो ना नरम हो, मीडियम सी हो, वरना अगर नरम होगी तो वो बिल्कुल शामी जो है वो बिल्कुल बह जाएगी, और अगर सख्त होगी तो वो शामी अच्छी तरह जुड़ नहीं पाएगी। दाल और गोश्त गलाने के बाद ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सा मैंने इसको पीस लिया। आप इसको जो है वो चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं, आप इसको जो है वो जो कुंडी डंडी होती है, और आप इसको चॉपर में डाल के भी कर सकते हैं, कीमे वाली मशीन से भी निकाल सकते हैं। तो अब जो है हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1/2 tablespoon जो था वो गरम मसाला था, ये मैं गरम मसाला ऐड करूँगा। ये मेरे पास 1 tablespoon जो है वो चिकन पाउडर है, ये मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगा इसमें। इसी के साथ साथ ये मेरे पास सूखा धनिया था कुटा हुआ 1 tablespoon, ये मैं इसमें ऐड करूँगा। इसी के साथ साथ ये मेरे पास चाट मसाला है तकरीबन 3/4 tablespoon, ये चाट मसाला मैं इसमें ऐड करूँगा। और ये मेरे पास नमक था 1/2 teaspoon, ये मैं नमक इसमें ऐड कर दूँगा। जो कराची के अंदर जो बंद कबाब है, मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की कि वहाँ पे जो भी अंडा शामी को लगा के तला जाता है वो सारा बहुत फूमी टेक्सचर में होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे जैसे लाहौर में या कहीं और इस्लामाबाद में अगर हम एक अंडे से दो कबाब या दो बर्गर बनाते हैं, या अगर हम एक अंडे से दो बर्गर बनाते हैं तो वो उसी एक अंडे से तकरीबन 4 से 5 बर्गर बना देते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो फोमी टेक्सचर है अंडे में वो कैसे लेकर आए। तो ये मेरे पास एक अंडा था और ये मैं इसमें ऐड करूंगा। और अगर आपके पास बीटर है तो बीट कर लें, अगर आपके पास विस्कर है तो आप विस्कर से तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये ज़रा मेहनत वाला काम है लेकिन इससे अच्छा अंडा जो है वो फोमी हो जाएगा। तो ये मेरे पास बीटर है, अब मैं इसको बीट कर लूंगा। और अब जो है वो हम अपनी जो शामी है वो तैयार करेंगे बंद कबाब के लिए। तो ये मेरे पास ऑयल था, ये मैं ऑयल ऐड करूँगा थोड़ा सा इसके ऊपर, ताकि मेरा पैन जो है अच्छी तरीके से ग्रीस हो जाए। और ये मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, आप तवा है तो आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा जो है वो एक मुनासिब साइज़ का जो है बॉल बना लूँगा अपने बंद जो है उसके हिसाब से। और मैं इसको, ये मेरे पास जो अंडा था इसको ज़्यादा बीट किया हुआ था, और ये इसमें से निकालूंगा। और
ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। बिल्कुल जो है वो मीडियम आंच होनी चाहिए, मीडियम आंच पे मैं इसको पकाऊंगा। तो अब जो है वो हम अपना बर्गर असेंबल करेंगे। ये देख सकते हैं इसको मैंने जो है वो अंडा लगा के और तवे पे हल्का सा फ्राई कर लिया था, तो जो बाहर लोग करते हैं। और ये मेरे पास जो थी जो चटनी मैंने बनाई थी, ये जो चटनी वहाँ पे बड़ी फेमस है और इसी के साथ वो इसी सेंटर में इसी को लगाते हैं और इसी के साथ वो लगा लगा के खाते हैं। तो ये थोड़ी सी जो है हम बेस के ऊपर चटनी लगाएंगे इसी के साथ साथ। ये जो है सॉरी, ये मैं एक टमाटर का पीस मैंने देखा था उसके अंदर, और ये प्याज है और ये बंद गोभी है, ये मैं लगाऊंगा इसी के साथ साथ। ये मेरे पास जो शामी थी और ये थोड़ा सा मैं ऊपर जो है वो सॉस इसके भी लगाऊंगा। और ये अच्छा, इसी के साथ साथ ये और ये मैं इसके अंदर ये प्याज, ये एक टमाटर है मेरे पास और ये मेरे पास बंद गोभी है और ये मेरे पास जो थी वो जो मैंने बंद कबाब की शामी बनाई थी। और अब जो है वो हम इसमें एक चीज़ जो मैं अपना फ्यूजन ऐड इसमें करूँगा वो ये मेरे पास थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा इसी के साथ साथ। ये मैं जो है मेरे पास अंडा था, ये एक डबल अंडा शामी बर्गर होगा, ये मैं इसके ऊपर सेट करूंगा। और थोड़ी सी ये ग्रीन चटनी जो मशहूर है बंद कबाब की, और ये मैं इस पर सेट कर दूंगा। और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन चटनी के साथ बंद कबाब तैयार हो चुका है कमर्शियल स्टाइल में। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कोई डिमांड होती है तो आप वो मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं, और ताकि मैं जो हूँ वो उसको इंशाल्लाह पूरा कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।